आज शुरू कर रहे हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड मैन आइडिया हेल्प मैन काइंड के आज से शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 अभी हम लोग अबाउट अथर के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है, चैप्टर का नाम है कि विचार जिसने मानव की मदद की, माने वह विचार जिसने मानव को मदद की, यह चैप्टर है आपका। आइए बर्ट्रेंड रसेल के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर के बर्ट्रेंड रसेल जो है उनके बारे में जानते हैं। बर्ट्रेंड आर्थर विलियम रसेल 1872 to 1917 यानी 1872 से 1970, ये जन्मदिन है और ये मृत्यु, ये जन्म का ईयर है और ये मृत्यु का, ये पूछता है इसलिए इसको आप देख लेंगे। कहा कि अ ब्रिटिश फिलोसफर हिस्टोरियन मैथमेटिशियन एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, एक ब्रिटिश दर्शन यानी एक ब्रिटिश दार्शनिक थे, इतिहासकार थे और गणतज्ञ थे और समाज सुधारक थे, पेसिफिस्ट एंड प्रोमिनेंट रेजनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शांतिवादी प्रसिद्ध तर्कवादी व्यक्ति थे। वाज अ प्रोफोलिक राइटर और बहुलता यानी बहुत ज्यादा लिखने वाले लेखक थे। ही वाज ऑल्सो कमेंटेटर, वह एक टिप्पणीकर्ता भी थे यानी आलोचक भी थे। ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक, किस पर, तो भिन्न भिन्न प्रकार के बड़े जो विषय होते हैं विषय वस्तु उसके आलोचक थे। हिज कमेंट्स ऑन सेक्स मैरिज पॉलिटिक्स रिलीजन साइंस फिलोसफी साइकोलॉजी सोशलिज्म एजुकेशन क्रिस्ट मार्क्स बुद्धा एंड अ होस्ट ऑफ अदर टॉपिक आर पिथी एंड फुल ऑफ कंडोर। इनकी जो कमेंट्स होती थी, इनकी जो आलोचना होती थी वह लिंग पर होती थी, मैरिज पर होती थी यानी शादी पर, पॉलिटिक्स राजनीति पर, रिलीजन धर्म पर, विज्ञान पर, मनोविज्ञान पर, दर्शन पर, समाज पर, सामाजिक मनोवृत्ति पर, एजुकेशन पर और क्रिसमस पर और बुद्ध पर, यानी ये सबको स्पष्ट सब पर कमेंट करते थे। इन 1950 एक ईयर दिया है 1950 1950, रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, रसेल को नोबेल प्राइज से नवाजा गया इन लिटरेचर, इसमें साहित्य में, इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज वैरिड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग इन विच ही चैंपियन होमेटेरियन आइडियाज एंड फ्रीडम ऑफ थॉट एज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट नॉन इंटेलेक्चुअल। ये इनकी जो
परोपकारिक सोच था, विचार था, जो विश्व में बौद्धिक माना जाता था। रसेल्स वॉइस कैरिड ग्रेट मोरल अथॉरिटी। कह रहा है रसेल की आवाज जो है एक महान नैतिकता को दर्शाता है। He was original and provocative in his attitude and clear and forceful in his style. वे अपने दृष्टिकोण में मूल और उर्वरतक थे और अपनी शैली में स्पष्ट शैलीवादी थे। His writing emphasis reason, intellect, intelligence, human happiness, peace and liberty. उनकी रचनाएं दबाव बनाती हैं किस पर? बुद्धि पर, मानव की खुशियों पर और शांति और आजादी पर। His major works include, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं शामिल हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, ये बड़ी पूछा जाता है। हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी इनका एक किताब है। दूसरा है ह्यूमन नॉलेज इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल, हैज मैन अ फैक्ट एंड फिक्शन। ये सारी किताबें हैं। माय फिलोसफिकल डेवलपमेंट, कंक्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोरल्स, रोड्स एंड फ्रीडम, इन प्रेज ऑफ आइडियलनेस, Why I am not Christian? ये सारी किताबें हैं जो आपसे पूछा जाएगा कि इसके रचयिता कौन है। ठीक है, जैसे दे देगा एक किताब, कहेगा कि हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी हैज बीन रिटन बाय, तो आपको याद रखना होगा बर्टन रसेल। आगे अब हम चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। यहां से पारा नंबर 1 पढ़ेंगे, यानी पैराग्राफ नंबर 1। आइए देखते हैं ये कहता क्या है। बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसीडर अ हैव टू मैन। वह यहां रसेल कहते हैं कि इस विषय पर चर्चा करने से पहले, किस विषय पर, कि विचार जिसने मानव को मदद की, यह एक विषय है, एक विषय वस्तु है, करें कि इस विषय वस्तु पर चर्चा करने से पहले हमें एक अवधारणा तैयार कर लेनी चाहिए। अवश्य हमें क्या कर लेनी चाहिए, एक अवधारणा तैयार कर लेनी चाहिए जिसने मानव को मदद किया हो, जिसने मानव को मदद, क्या उदाहरण तैयार करना है कि किसने मानव को मदद किया होगा। तो आइए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या यह चीज मानव को मदद किया, तो क्या क्या क्वेश्चन है यहां से लिखते हैं। आर मैनकाइंड हेल्प, क्या मानवों की मदद होती है, When they became more numerous, जब वे बड़ी संख्या में हो जाते हैं, ज्यादा संख्या में हो जाते हैं, तो क्या मानवों की मदद होती है, पहला ये उदाहरण। और या when they became less like animals, या जब वे जानवरों की तरह कम हो जाते हैं संख्या में, तो क्या मानवों की मदद होती है। और when they became happier, या जब वे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो क्या मानवों की मदद होती है। और when they learn to enjoy a greater diversity of experiences, या जब वे क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, तो क्या मानवों की मदद होती है। और when they became to know more, या वे अधिक जब जानने लगते हैं, तो क्या मानवों की मदद होती है।
और when they became more friendly to one another, या जब वे एक दूसरे के प्रति ज्यादा मित्रत्व हो जाते हैं तो क्या मानवों की मदद होती है? I think all these things come to into our conception of what help mankind. मुझे लगता है कि ये सारी विचार हम लोगों के मन में आती है जो मानव को मदद की हो. And I will say a preliminary word about them. प्राइमरली बात करना चाह रहे हैं, क्या करें कि मैं इसके संदर्भ में एक प्राथमिक बात कहूंगा, प्राथमिक बात कहूंगा, मैंने कहना चाहूंगा. अब इसके संदर्भ में वो कौन सा प्राथमिक बात कहना चाहते हैं, तो ये था पैराग्राफ नंबर वन. आइए पारा नंबर टू की बात करते हैं. यहां तक आपने देखा कि बर्टन रसेल कहते हैं कि मानव की मदद क्या इस किस किस रूप में हुई होगी. आइए अब प्राइमरी बात क्या कहना चाहते हैं, प्राथमिक बात ही क्या कहना चाहते हैं. द मस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर. इस संदर्भ में संख्या निस्संदेह ही वह विचार है जिसने मानव को मदद की होगी, चाहे मां मदद की. देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम, एक समय रहा होगा वेन होमो सेपियंस वाज वेरी रेयर स्पेसिस, उस समय मानव जाति बड़ा ही दुर्लभ प्रजाति रही होगी. सबसिस्टिंग प्रीकेरियोसली इन जंगल्स एंड केव्स टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीस्ट्स, having difficulty in securing nourishment, हिंसक जंगली जानवरों के भय से वे जंगल और गुफाओं में रहते होंगे, अपने पोषण में उन्हें काफी दिक्कत सहना पड़ता होगा, यानी काफी दिक्कत होती होगी. At this period, the biological advantage of his greater intelligence. उस अवधि में करेक्टी विच वॉज कमुलेटिव बिकॉज इट कुड बी हैंडेड ऑन From generation to generation, had scarcely began to overweigh the disadvantage of his term infancy. कह रहे कि उस अवधि में पीढ़ी दर पीढ़ी जानने वाली जैविक ज्ञान कम रही होगी, बहुत जैविक ज्ञान क्या होगी, एकदम कम रही होगी. His legend agility as compared with monkeys, उनकी चंचलता की तुलना बंदरों की चंचलता से की जाती होगी. And his lack of hirsute protection against cold, और ठंड से बचने के लिए उनमें रोआ का भी अभाव होगा. इन दोज डेज, उन दिनों, द नंबर ऑफ मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल, अवश्य बहुत ही कम होंगे उन दिनों
लोग माने नंबर ऑफ संख्या, मानवों की संख्या क्या होगी रही होगी, अवश्य बहुत कम रही होगी, बट दैट इट वॉज इन फैक्ट द इफेक्ट, सॉरी एक लाइन छूट गया, द मैन द मेन यूज ऑफ विच द मैन यूज टू विच थ्रू आउट टू एजेस मैन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल हैज बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन. इसलिए सभी युगों में मानव का यही उद्देश्य रहा होगा कि वो अपनी जनसंख्या को कैसे इंक्रीज करें, बढ़ाएं. आई डू नॉट मीन दैट दिस वॉज द इंटेंशन. मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि यह उनका इंटेंशन रहा होगा, बट दैट इट वॉज इन फैक्ट द इफेक्ट. लेकिन यह सच था और एक सच्चाई के सच्चाई था. इफ दिस इज समथिंग टू रिज्योस इन देन वी हैव ओकेजन टू रिज्योस. यदि इसमें कोई सच्चाई खुशी हो तो अवश्य हमारे लिए खुशी मनाने का समय है, तो अवश्य हमारे लिए खुशी मनाने का समय है. ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस समय हमारी जनसंख्या है तो बढ़ चुकी है, तो जरूर हम इस समय खुशी मनाएं. यह उनके कहने का तात्पर्य है. तो पारा नंबर 2 था, अब मैं पारा नंबर 3 आपको पढ़ा रहा हूं. ध्यान दें. We have also become, in certain respect, progressively less like animals. कुछ मामले में हमने जानवरों से कम विकास किया है. अवश्य कुछ मामले में हम लोग जानवरों से कम विकास किया है. I can think in particular of 2 respect. मेरे मन में खास करके 2 विचार आते हैं. फर्स्ट, पहला, दैट एक्वायर्ड एज ओपोज टू कंजेंटल स्किल्स प्ले अ कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ. यह कि अर्जित ज्ञान जीवन में उत्तरोक्त बढ़ता जाता है. एंड और सेकेंडली, यानी द्वितीय जो दूसरा है, दैट एज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इंपल्स. दूसरा है, अधिक से अधिक बोध होना. इन दीज रेस्पेक्ट वी हैव सर्टेनली बिकेम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स. और इन दोनों मामलों में विकास की दृष्टि से हम जानवरों से कम विकास किए हैं, यानी जानवरों से पीछे हैं. आज इतना ही, आगे अगर